जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मेरे लिए फिल्में मिलना इतना आसान था नहीं। देर इज़ नो सेकेंड चांस इन बॉलीवुड। तो वो जो 2-2.5 साल की जो फ्रस्ट्रेशन थी मेरे जीवन में, दैट वॉज टू मच। लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार विनय आनंद को हमें लेना चाहिए। वो विनय आनंद उन्हें लास्ट याद है 20 साल वाला आमदनी 28,000 रुपया। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे शख्स है जिन्होंने 60 से ज़्यादा फिल्में की बॉलीवुड और भोजपुरी में, एंड वो अभी 20 साल बाद वापस बॉलीवुड में कमबैक करने जा रहे। मैं स्वागत करना चाहूँगा विनय आनंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बॉलीवुड प्रेमी के सभी दर्शकों को विनय आनंद का बहुत बहुत प्रणाम, प्यार, और थैंक यू दिग्विजय फॉर इन्वाइटिंग मी। और बॉलीवुड प्रेमी के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, दर्शक बढ़ते जा रहे हैं, और मैं भी आप लोगों का चैनल जो है देखता रहता हूं, और रिव्यू जो फिल्मों का आप लोग लाते हो वो मैं ज़रूर देखता हूं, क्योंकि मुझे बहुत जेन्युइन लगता है। और जब दिग्विजय ने मुझे कॉन्टैक्ट किया तो मैंने बोला यार ये बहुत जेन्युइन चैनल है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि वाकई में जैसे आप लोग बड़ी फिल्में भी रिव्यू करते हो, और मैंने देखा जो जिनको लोग सब सहयोग नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी जाके आप लोग करते हो। तो अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये आपको भी नहीं पता था कि मैं ये बोलूँगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और एक जेन्युइन चैनल होना फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत थी, और आप लोग यहाँ हैं और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आपने अप्रिसिएशन किया हमें। आपकी फिल्में आने वाली है, आप बॉलीवुड में 20 साल बाद कमबैक करने वाले हो। 20 साल बाद सुनता हूँ ना दर्शकों, मैं बताऊँ तो मैं घबरा जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है पिक्चर याद आती 20 साल बाद। तो मैं खुद घबरा गया, अब क्या करूँ। अब जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है कि इतनी फिल्में करने के बाद मैं भोजपुरी में चला गया, और वहाँ मुझे एक्चुअली हुआ क्या दिग्विजय, कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मेरे लिए फिल्में मिलना इतना आसान था नहीं। तो मैं गोविंदा जी के घर में बड़ा हुआ, और अक्सर जब बड़े बड़े डायरेक्टर आते थे तो मैं रोज़ कंघी करके बैठ जाता था कि कोई तो मुझे देख ले। अब उनको चाहिए इतना बड़ा स्टार गोविंदा, मुझे कौन देखेगा भाई, मैं तो नया नया लड़का हूँ। तो जो भी डायरेक्टर आता था मैं सर सर, तो ऐसे ही एक डायरेक्टर थे टी रामा राव, जिन्होंने अंधा कानून और गिरफ्तार और मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, 100 फिल्में बनाई होगी टी रामा राव सर ने। तो मैं बराबर और मेहनत में करता था, ऐसे नहीं कि चमचागिरी से आया हूँ। मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत मैं 6-6 घंटा इस टू 4 घंटा एक्सरसाइज करना, और मतलब जो जो एक हीरो को करना चाहिए मैंने सब किया, बहुत मेहनत किया। तो उनको लगा कि हाँ यार ये लड़का बड़ा सिंसियर है, और डांस अच्छा करता है, दिखता भी अच्छा है, और तमीज़दार है। तो उनको ये चीज़ भा गई, और उन्होंने मुझे बोला आई विल टेक यू इन फिल्म। मैं बड़ा खुश हो गया। और फिर महेश कोठारी ने मुझे, महेश कोठारी जी जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं मराठी सिनेमा के, मैं यही कहूँगा कि ही इज़ माई गॉड फादर। महेश कोठारी जी की वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। उन्होंने मुझे पहली फिल्म दी लो मैं आ गया, और मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था। उनका मुझे कांटेक्ट आया कि एक हवलदार का रोल है, हीरो हवलदार है, तो मैं आपका ऑडिशन लेना चाहता हूँ। तो मुझे आज भी याद है कि गोविंदा जी के बंगले में, वो वेन्यू मैंने बनाया था कि गोविंदा जी का बंगला था, मैंने बोला वहाँ कर लेते हैं। तो वहाँ पे मेरा ऑडिशन हुआ था, और मैं ऑडिशन में पास हो गया। सो इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं फिर से महेश कोठारी जी का धन्यवाद करता हूँ कि सर आप मुझे, आपने ब्रेक दिया था, मैं आज तक रोटी खा रहा हूँ उसके लिए, थैंक यू सो मच सर। यहाँ से आपकी जो ह्यूमिलिटी है टूवर्ड्स जिन्होंने आपको ब्रेक दिया है, वो दिखती है लोगों को, जो दर्शक देखेंगे कि आप कितने हम्बल हो सर, कि आप आज भी उनको याद कर रहे हो जिन्होंने आपको ब्रेक दिया। और दिग्विजय, थैंक यू बोल। दिग्विजय ब्रदर, अगर मैं हम्बल नहीं होता तो मैं घर में कंबल में सोया रहता। तो हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। बॉलीवुड में बहुत कम दिखता है सर ऐसे, जो एक ह्यूमिलिटी एक इंसान में। मेरे को मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरी ग्रैंड मदर ने, तो वो हमेशा यही कहती थी कि तुम्हें अगर कोई एक गिलास पानी भी पिला दे तो उस बात को कभी भूलना मत। तो जो आपके जीवन में
आपको एक ऐसी चीज़ कर देता है कि आपका खान पान, आपका ज़रिया, आपकी दुकान खुल जाती है, आप उस व्यक्ति को कैसे भूल सकते हो। और एक बार नहीं, मैं 1,00,000 बार भी हमेशा महेश कोठारी जी को और उनके परिवार को धन्यवाद करूँगा, उनकी पीढ़ी को धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे ब्रेक दिया। क्योंकि फिल्में बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, और पैसों के साथ साथ जो व्यक्ति बना रहा है उसका करियर भी जुड़ा होता है। तो इतना विश्वास रख के आप किसी को ब्रेक देते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब बातें सर, आपकी जो अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म जो अभी आने वाली जी, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक हॉरर फिल्म है। ओके। और जैसे कि रेगुलर लोग अल्कोहलिक होते हैं, मैं वर्कहॉलिक हूँ। क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं रुका ही नहीं। जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में घुसा, जब मैं बॉलीवुड में था तो मैं कई बड़े बड़े मेकर से मिलता था। मैं क्योंकि लोग बोलते हैं कि मेकर के मेकर्स को मिलना चाहिए, तो मैं भी मिला कुछ मेकर से, लेकिन सब लोग यही बोलते थे, या विनय, यू आर गुड, डेफिनेटली वी आर वर्किंग, हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, बताएंगे। वो बताने बताने में 2.5 साल 3 साल ऐसे ही चले गए, किसी ने लिया नहीं। तो जब ये पिक्चर आई मेरी भोजपुरी, तो मैं तब तक ट्रेंड हो चुका था, मतलब मैं 10 हिंदी फिल्मों का हीरो था, जिसमें मैंने 3-4 साल 5 साल काम किया। वो 5 साल में मैं 2.5 साल घर में बैठा, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी थी। तो मुझे ये भी मालूम था कि मुझे सहयोग करने वाला कोई है नहीं, तो मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जब फिर से काम करूँगा तो मैं काम को मना नहीं करूँगा, मैं अपना रोल देखूँगा और मैं पैसों पे ज़्यादा वो फोकस नहीं करूँगा और मैं काम करूँगा, क्योंकि काम बड़ी मुश्किल से आता है। दिग्विजय, व्हेन आई गॉट वर्क, और मैंने जब फिल्म साइन की पहली भोजपुरी फिल्म, तो उसके बाद जो लाइन लगी है, मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे मिरेकल होता है किसी की ज़िंदगी में, वो हो गया। और मैंने इतना काम किया, इतनी फिल्में की कि मुझे इतने साल लग गए कि मैं बॉलीवुड के बारे में सोच ही नहीं पाया। क्योंकि होता ना कि यार, लोग सोचते होंगे, दर्शक सोचते होंगे कि विनय आनंद को आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में देखा, इतना अच्छा काम किया था, दिल ने फिर याद किया हमें, ये आदमी गायब क्यों हो गया बॉलीवुड से। मैं पूछने वाला था, यस, उसका एक ही रीज़न है कि जो मैं जब काम कर रहा था और उसके बीच में जो 2.5 साल में मेरे पास काम जब नहीं आया, जब मुझे मेरे मुताबिक काम नहीं मिल रहा था, तो वो जो 2.5 साल की जो फ्रस्ट्रेशन थी मेरे जीवन में, दैट वॉज टू मच। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं काम करूँगा ना भाई, तो मैं प्रोड्यूसर को अपने दरवाजे से वापस नहीं जाने दूँगा। और उस खुन्नस में मैंने इतना काम किया कि आई डिड अराउंड 60-65 फिल्म्स। अच्छा, वो भी मैंने चूज़ किया बाद में, मेरा फिर से थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ था, ऐसा नहीं है कि जब आपके पास बहुत काम आता है तो आप फिर ना उसमें और बेटर करने के बारे में सोचते हो। तो इतना काम किया, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इस इंडस्ट्री को सुधारूंगा, भोजपुरी इंडस्ट्री को सुधारूंगा। तो वो सुधार के चक्कर में मैंने बहुत फिल्में छोड़ दी लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड, एक नाम है कि विनय आनंद ने कभी भी अश्लील पिक्चरें नहीं की और फैमिली पिक्चरें की, जिसकी वजह से आज भी मैं सर्वाइव करता हूँ। अभी एक रिसेंटली आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो आपका पोस्ट किया था, आपकी फिल्म का जी, भोजपुरी में दम्बा, करेक्ट, हाउसफुल दिख रहा था, करेक्ट करेक्ट। आज भी क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं लोग? देखिए, हमारे जो दर्शक हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब दर्शक सभी अच्छे होते हैं। क्योंकि दर्शक जो होता है वो कभी ये सोच के नहीं आता कि फिल्म अच्छी नहीं होगी, वो इंजॉय करने आता है। वो लक और अनलक की बात होती है कि एक फिल्म कितनी अच्छी है या कितनी घटिया। तो ये फिल्म, हमारी भोजपुरी पिक्चरें, ये यहाँ पे जो हीरो होता है वो वही जॉनर है जो रजनीकांत जी का होता है साउथ में, चिरंजीवी जी का होता है, या मिथुन दा का, जैसे एक को मारा 6 उड़े। तो हमारे जो दर्शक हैं वो अपने हीरो को दे टेक एज अ सुपर पावर। तो मैंने भी वैसी फिल्में की, सुपर पावर, जैसे एक को मारा तो 6 उड़े, ठम, मैं मारा, लात मारा, दरवाज़ा खुला। तो मैं इतना खुश था कि जीवन में जैसे मैं ये सुपरस्टार्स को देख के बड़ा हुआ हूँ, जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ रजनीकांत जी, बिग फैन ऑफ चिरंजीवी जी, गोविंदा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब ये सब सुपरस्टार्स हैं जिनको हम देख देख के आगे सीखते हैं, हमारे अंदर आया, हीरोगिरी आई, इनको देख देख के आई। तो वैसे ही फिल्में मुझे भोजपुरी में करने को मिली, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि एक आप एक सिंगल स्क्रीन थिएटर के हीरो
और आप पूरी पिक्चर को अपने शोल्डर में लेके चलते हो और आप हीरो हो, आप मसीहा हो, आप और क्या चाहिए आपको? ऐसी पिक्चरें मिलती है, ऐसा हीरो जिसको अपनी माँ के लिए दर्द है, जिस जो इंसाफ करता है, जो धर्म पे चलता है, जो एक लड़की को प्यार करता है तो उसी से प्यार करता है। तो जो सारे हीरोइज्म जो ज़िंदगी में होने चाहिए आपको ऐसे कैरेक्टर निभाने मिल रहे हैं, तो आप क्यों इधर उधर जाओगे? सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी डूइंग भोजपुरी फिल्म। मैं सर वापस आता हूँ, आप 20 साल बाद वापस कमबैक कर रहे हो बॉलीवुड में। आपने सिर्फ जॉर्नो बताया कि एक हॉरर फिल्म रहेगी, जी, और बताइए ये बॉलीवुड फिल्म के बारे में जो आप बना रहे हो। मैंने बीच में सोचा, मैंने बोला यार मेरे पास कोई आएगा पिक्चर लेके, तो एकाध दो लोग आए, लेकिन वो मुझे ना स्टोरी जम नहीं रही थी और वो मुझे कहीं भी इस तरह से नहीं हो रहा था कि यस विनय आनंद इज़ डूइंग अ कमबैक या इसको इम्पोर्टेंस मिलेगी। और आजकल देखा जाए तो बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनाते भी नहीं है लोग, सब कैरेक्टर बेस्ड फिल्में हो गई, लेकिन मुझे वैसी चीज़ आ नहीं रही थी तो, और ना ही मेरे पास टाइम था, तो लोगों को यही लगता रहा कि यार विनय जी तो वहाँ बिजी हैं, यहाँ तो करेंगे नहीं करेंगे, या वो लोग सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी हमारे फिल्म इंडस्ट्री की एक मैंटेलिटी है कि वो जो उनको दिखाई देता है और जो काम करता हुआ नज़र आता है वो उसी के पीछे जाते हैं, ये कॉमन है। और ऐसे ही शायद मेरे साथ भी हो गया कि मैं वहाँ था तो वहीं के लोगों ने मुझे काम दिया, लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार विनय आनंद को हमें लेना चाहिए, क्योंकि आई वॉज़ आउट ऑफ साइट, मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की साइट से हट चुका हूँ और भोजपुरी में आ चुका हूँ, तो वापस से आने के लिए मुझे ही बनाना पड़ा पिक्चर कि मैं हूँ और मैं कर सकता हूँ और मैं अच्छा करूँगा। और क्योंकि क्या हुआ, जो प्रीवियस फिल्मों में विनय आनंद को जो लोगों ने देखा, अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक अपना ही रिव्यू करता रहता हूँ कि मैं देखता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस भी देखता हूँ कि क्या बदलाव है कैसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले विनय आनंद को लोगों ने देखा था वो बहुत नया था, कोरा था, मासूम था और उतनी अक्ल नहीं थी, क्योंकि आपको काम करते करते एक्सपीरियंस होता है, तो अब 60-70 फिल्में करने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है काम करने का, वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो मैं भोजपुरी में जैसा अभी काम करता हूँ, यहाँ के लोगों ने या यहाँ की जो ऑडियंस जो हिंदी फिल्में देखती हैं, वो विनय आनंद उन्हें लास्ट याद है 20 साल वाला आमदनी हनी खर्चा रुपया हुआ। और अगर मैं उसके बाद फिल्में करता ना, तो ये लोग मुझे वैसी फिल्में कराते, चार चार हीरो में, तीसरे हीरो में कॉमेडी, या वो कभी मेन स्ट्रीम सिनेमा का हीरो में शायद बन नहीं पाता या हो सकता है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, आई कैन नॉट बी जजमेंटल, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आया कि यहाँ पे ग्रोथ इमीडिएट नहीं हो पाती हीरोज़ की, अगर वो हीरो करेक्ट रोल नहीं करता है और अगर वो वहाँ पे टिकता ही नहीं, अच्छा ही नहीं करता है, तो उसका तो बाय बाय ही हो जाता है कि भाई तुम आना ही मत, अभी तुम लायक ही नहीं हो, मतलब यहाँ पे आपको मौके नहीं मिलते, आप कितने भी बड़े परिवार से हो, आप कितने भी आपके पास पैसा हो, ये हो, देयर इज़ नो सेकेंड चांस इन बॉलीवुड, आपको नहीं चांस मिलता। तो आप जब काम करो तो पूरा जी लगा, अब मैं जब दोबारा बॉलीवुड कर रहा हूँ तो मुझे ये बात मालूम है कि भाई मैं अपने आप को लेके भी कितनी बार बना लूँगा, तो मुझे, मैं पब्लिक के लिए बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं, तो जो औकात में जो लेवल में मैं बना रहा हूँ उस हिसाब से आई शुड गिव माई बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि लोग बोलें कि यार यस ही हैज़ डन अ गुड जॉब, मूवी अच्छी है और विनय आनंद ने अच्छा काम किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइज होगा।